वेलकम टू जी एस क्विक लर्निंग. द टॉपिक इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी डिस्कस द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. मीनिंग क्या होता है इसका? ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंक्लूड्स वेरियस स्ट्रेटजीज एंड द टेक्निक टू मेंटेन हेल्थी रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर. सो ये क्या कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक. किस पर्पज़ के लिए? टू मेंटेन हेल्थी रिलेशनशिप. अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए किससे? ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर और फिर पोटेंशियल कस्टमर. जो तो एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के, और एक हमारे पास होते हैं पोटेंशियल कस्टमर जो जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो भी जो है कस्टमर फ्यूचर में बनेंगे. ओके, उन दोनों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करने की जो एक टेक्निक होती है, एक स्ट्रेटजीज होती है, जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. क्लियर? ओके, द मैन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर हायर कस्टमर रिटेंशन. कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है? वो ये इंश्योर करती है कि जो कस्टमर है वो उनके प्रोडक्ट से प्रॉपर सेटिस्फाइड है, सो दैट कि वो जो कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर रख सकें. उससे हम कहते हैं कस्टमर रिटेंशन, कि जब कस्टमर जो है उनके प्रोडक्ट के साथ ही मतलब फ्यूचर में भी बंधा रहे, मतलब और कोई जो प्रोडक्ट है वो परचेज ना करे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रिटेन रहे. ओके, सो नेक्स्ट हम इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ नीड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर एंड प्रोवाइडिंग दैम द राइट सोल्यूशन. सो सिंपली ये है क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? एक स्टडी है करना किसकी? जो कस्टमर है उसकी नीड्स की, कि उनको क्या चाहिए, सो दैट उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही उन प्रोडक्ट बनाकर उनको उनके जो सेटिस्फेक्शंस है नीड्स है वो फुलफिल कर हो सके, और जो कस्टमर है वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रह सके, उनके साथ अच्छा जो है हमारा रिलेशनशिप बन सके, उसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है नीड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लीड्स टू सेटिस्फाई कस्टमर. ओके, सो ये बेसिकली क्या कहता है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो क्या करता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करता है. इसके लिए इसकी जो है ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जब कस्टमर जो सेटिस्फाई होते हैं तो क्या उनकी लॉयल्टी वो लॉयल रहते हैं फिर जो कंपनी के साथ. ओके, उनका जो विश्वास है कंपनी के साथ बहुत ही इंक्रीज हो जाता है. ओके, उनको जो अदर प्रोडक्ट है वो लेने अदर ब्रांड के अदर कंपनी के प्रोडक्ट वो नहीं लेते, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है रिटेन रहते हैं. ओके, सो उसी के ही जो प्रोडक्ट है परचेज करते हैं जो प्रॉपर वो सेटिस्फाई होते हैं. तो इसके लिए कहते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट गोज अ लॉन्ग वे इन रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो किसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है कि कस्टमर जो है लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रिटेन रहें, कहीं और मत जाएं. सो उस पर जो फोकस करता है, इसके लिए जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंश्योर कस्टमर टर्न बैक होम विद अ स्माइल. ये क्या कहता है कि जब कस्टमर जो है प्रोडक्ट लेता है हमारी कंपनी का और जब वो रिटर्न घर जाता है अपने, तो वो स्माइल के साथ जाए. स्माइल के साथ वो तभी जाएगा जब प्रॉपर वो क्या होगा सेटिस्फाई, जब उसकी प्रॉपर जो नीड्स है वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके. तो इसके लिए जो है कहते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हमें लोड पड़ती है, बिकॉज वो इंश्योर करता है कि जो कस्टमर है प्रॉपर स्माइल के साथ सेटिस्फाई होकर जो अपने होम बैक जाए. ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर. सो ये पॉइंट हमें क्या कहता है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो क्या इंप्रूव करता है? रिलेशनशिप इंप्रूव करता है. किसके बीच में रिलेशनशिप? ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द कस्टमर. कस्टमर जो परचेज करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो सेल करता है, सो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो जो है बिजनेस वो है अच्छे ग्रोथ से सर्वाइव करेगा. ओके,
नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप्स टू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमें चाहिए. फर्स्ट हमारे पास आता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सेल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव टू अंडरस्टैंड द नीड्स इंटरेस्ट एज वेल एज द बजट ऑफ द कस्टमर. सो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि ये कहते हैं कि जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सेल करता है, उसको क्या अच्छे से समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नीड्स क्या है कस्टमर की, उन्हें क्या चाहिए, उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, वो कैसी चीज़ें जो है फाइंड कर रहे हैं, और एज वेल एज द बजट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का जो बजट है वो कितना है, मतलब कि उसके पास पे करने को प्राइस कितना है, उसकी इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो परचेज करेगा. सो जो सेल रिप्रेजेंटेटिव, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर के जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग, उसके बजट के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स वांट के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करकर. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है, नेवर टेल लाइज टू द कस्टमर. कभी भी जो कस्टमर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सो दैट कि कस्टमर का एक हमारे साथ फेस जुड़ा होता है, एक उसका भरोसा जो है हमारे ऊपर होता है. अगर हम उसको झूठ बोलेंगे तो जो उसका भरोसा है वो डिक्रीज होगा, तो वो हमारे साथ लॉयल नहीं रहेंगे. ओके, सो इसमें कहते हैं कि नेवर लाई टू दी कस्टमर. कभी भी कस्टमर को झूठ नहीं बोलना चाहिए. ओके, जब फेक स्टोरीज बनाकर कस्टमर को नहीं सुनानी चाहिए, सो दैट कि उनके उनके मन में हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी इंक्रीज हो. ओके, सो ट्रूथ रहना है, ट्रूथ एंड फेयर व्यू हमारे कस्टमर के साथ रखना है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इट इज़ सेन टू मेक द कस्टमर वेटिंग. कहते हैं कि जब हम कस्टमर को वेट कराते हैं ना, किसी उसके कोई वांट्स है, उसको कोई चीज़ चाहिए, बट हम वो उसको नहीं दे रहे हैं, उसको वेटिंग करा रहे हैं कि हम देंगे, हम जल्दी देंगे, तो एक तरह का ये क्या है, सिन है, सिन में पाप है एक तरह का. ठीक है, सो कस्टमर की वेटिंग नहीं करानी, कस्टमर को जो चाहिए उसको पहले से अवेलेबल प्रोवाइड करवाना. सो ये भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, स्टेप प्रोसेस में आता है. ओके, तभी तो जो कस्टमर का रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा बनेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अ सेल प्रोफेशनल शुड थिंक फ्रॉम द कस्टमर प्रस्पेक्टिव. सो ये क्या कहता है कि जो सेल प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सेल करते हैं, हम कह सकते हैं कि उनको जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि कस्टमर को जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ही उसको जो है अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोटिव के अकॉर्डिंग उसको जानबूझकर गलत प्रोडक्ट नहीं देने चाहिए. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इन रीजनेबल प्राइस इनमें देने चाहिए. ओके, जो वो अफोर्ड कर सकता हो, इसमें ये कहा गया है पॉइंट में. ओके, उनको वही प्रोडक्ट हमें जो सजेस्ट करने चाहिए जो कस्टमर के लिए राइट हो. ओके, रॉन्ग क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है हम उसको जानबूझकर नहीं उसको सेल करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है, डोंट ओवर सेल. डोंट ओवर सेल भी यही पॉइंट हमें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कस्टमर को इरिटेट नहीं करना, जानबूझकर ये नहीं कहना कि ये प्रोडक्ट ले लो. उनकी नीड्स अकॉर्डिंग और वांट्स के अकॉर्डिंग जो उनको पसंद आएगा वो अपने आप ही जो है परचेज करेंगे. हम उसको जानबूझकर फोर्सफुली जो है प्रोडक्ट उनको नहीं सेल करेंगे, तभी तो जो कस्टमर है वो अपने आप ही अपने नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेगा और प्रॉपर सेटिस्फाई होगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, एन इंडिविजुअल्स नीड टाइम टू डेवलप ट्रस्ट इन यू एंड योर प्रोडक्ट. सो ये पॉइंट हमें क्या कहता है, एन इंडिविजुअल नीड्स टाइम टू डेवलप ट्रस्ट इन यू एंड योर प्रोडक्ट. सो ये बेसिकली ये कहता है कि जो कस्टमर है उनको, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कस्टमर को थोड़ा टाइम देना चाहिए, सो दैट जब वो प्रोडक्ट लेकर जाता है उसको यूज़ करेगा तभी तो उसका जो ट्रस्ट है वो डिवेलप होगा ना. ओके, सो उसके लिए तो उनके थोड़ा टाइम देना चाहिए, सो दैट वो प्रोडक्ट लेकर जाए, उनको यूज़ करें, तो उससे ही जो उनका है ट्रस्ट है वो इंक्रीज होगा, उनको फोर्स नहीं करना किसी भी काम के लिए. ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, नेवर बी रूड टू द कस्टमर. ओके, जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन कहता है, हर जब कोई पर्सन बिजनेस करता है तो ऑब्वियसली कहता है कि जो कस्टमर है उसका भगवान होता है.
ओके, यही माना जाता है। तो ये कहते हैं कि कभी भी जो कस्टमर है उसके साथ रूडली बिहेवियर नहीं करना, जब भी वो आते हैं उनका प्रॉपर से स्माइल से वेलकम करना है, और ओके जब वो जाते हैं तो भी प्रॉपर से उनके साथ जो है डीलिंग करनी है, या उनको जो भी नोटिस वगैरह सेंड करने हैं प्रॉपर एक अच्छे बिहेवियर के साथ करने हैं, उनको साथ कभी भी रूड बिहेवियर नहीं करना, और कस्टमर के साथ विद पेशेंट से हमें बात करनी है, ओके प्रॉपरली केयर से बात करनी है, कस्टमर के साथ बहुत हाइपर होकर बात नहीं करनी, ये पॉइंट इसमें कहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीप इन टच विद द कस्टमर आफ्टर द डील। कहते हैं कि जब कोई कस्टमर जो होता है जो प्रोडक्ट लेकर चला जाता है तो उसके बाद भी उसके साथ टच में रहना, सो दैट कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी परचेज करे तब भी वो हमारे ही प्रोडक्ट परचेज करे, इससे जो है रिलेशनशिप हमारा कस्टमर के साथ अच्छा बना रहेगा। अब कैसे कीप इन टच रहेंगे, जब वो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट परचेज करता है सेकंड टाइम हमें उसको क्या देना चाहिए, हमें उसको कुछ ऑफर देना चाहिए सो दैट वो उसमें वो उसको उसको भी लगे कि हाँ जो मतलब कि मेरी वैल्यू समझ रहे हैं, मैं उसके प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ और मेरी वैल्यू पा रहे हैं, सो दैट वो अपने आप ही जो नेक्स्ट टाइम है वहीं परचेज करने आएगा, उसको वो बोनस क्या कहते हैं उसको सॉरी उसको बोनस पॉइंट्स देने चाहिए, उसको गिफ्ट देने चाहिए जब तब वो सेकंड परचेज करेगा, ओके इससे जो है उसकी लॉयल्टी और उसकी रिटेंशन जो है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट हमारे पास आता है, द सेल मैनेजर मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग टू द सेल्स टीम टू टीच देम हाउ टू इंटरेक्ट द कस्टमर। सो ये पॉइंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी ऑल इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि जो सेल मैनेजर है उसको क्या करना चाहिए, ये जरूरी है कि जो अपने सेल्स टीम है जो सेल करती है उसको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमें जो कस्टमर जब हमारे आता है प्रोडक्ट परचेज करने उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ओके कस्टमर को कैसे प्रॉपर उससे बात करनी है, कैसे उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसको सेटिस्फाई करना है सो दैट कि वो है कंपनी के साथ रिटेन रहे और लॉयल रहे और हमारे ही जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है वो अगेन एंड अगेन परचेज करें। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।